आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसी क्रम में एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 25 साल पूरे होने पर भाजपा सांसदों की बैठक की गई। इस बैठक में एनडीए के 45 सांसद शामिल हुए, लेकिन बैठक की एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा के पीछे वरुण गांधी बैठे दिखाई दे रहे हैं। वैसे वरुण गांधी अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं क्योंकि वरुण गांधी बीते कुछ समय से अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल कर रखे हुए हैं। फिर वो चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो या राज्य की योगी सरकार, वरुण कोई मौका नहीं छोड़ते दोनों को घेरने में। और अब वरुण गांधी भाजपा की बैठक में शामिल हुए तो ये तस्वीरें वायरल हो गई। दरअसल ये फोटो सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य ने ट्वीट की। भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य ने ट्वीट कर लिखा है कि कल दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 25 साल पूरे होने पर पश्चिम ब्रज कानपुर बुंदेलखंड की बैठक में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, आदरणीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ मंत्री नितिन गडकरी जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। वहीं दूसरी ओर वरुण गांधी की इस बैठक में शामिल होने के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। कुछ राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि वरुण फिलहाल भाजपा का हिस्सा बने रहेंगे। वरुण की सियासी रणनीति 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी के टिकट पर भी चुनाव लड़ना है। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि वरुण गांधी अभी भी विरोधी सुर अपनाए हुए हैं। ऐसे में उनका इस बैठक में जाना सिर्फ और सिर्फ भाजपा सांसद होने के नाते अपने जिम्मेदारी का निर्वाह करना है। पिछले कुछ समय से ऐसी चर्चा भी थी कि वरुण गांधी चुनाव से पहले भाजपा छोड़कर साइकिल पर सवार हो सकते हैं। चर्चा ये भी थी कि भाजपा पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट सकती है। वहीं जब भी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से वरुण गांधी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कभी भी सीधा जवाब नहीं दिया। माना जाता है कि सपा भी वरुण गांधी को लेकर पूरी तरह से सहज नहीं है। इसके पीछे वरुण गांधी की राजनीतिक इमेज भी मानी जा रही है। दरअसल एक समय था जब वरुण गांधी खुद को हिंदुत्व की राजनीति के तौर पर पेश किया करते थे। उनके कुछ बयानों को लेकर काफी विवाद हुआ था। ऐसे में सपा और वरुण दोनों ही एक दूसरे में आसानी से सहज नहीं होंगे माना जा रहा है। इसलिए ही वरुण ने अभी तक अपने सियासी पत्ते नहीं खोले हैं, मगर इन तस्वीरों ने कई संकेत दे दिए हैं कि वरुण गांधी भाजपा को छोड़ने के मूड में नहीं है और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी वरुण गांधी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ते दिखाई दे सकते हैं। बहरहाल अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वरुण गांधी कहां से चुनाव लड़ते हैं।